गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने जो पहले पढ़ा था सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और एंट्रीज भी की थी, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, हमें अच्छे से पता है क्या होता है सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है? हमने सैटरडे को पढ़ा था, ये सैटरडे को फ्राइडे को पढ़ा था, सैटरडे फ्राइडे जब भी पढ़ा था। तो आप आंसर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न हम क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं मैंने वही क्वेश्चन किया है आपसे। खरीदे हुए माल को वापस करना सेल्स रिटर्न होता है। खरीदे हुए माल को वापस करना क्या होता है? खरीदे हुए माल को वापस करना परचेज रिटर्न होता है, और बेचे हुए माल को, हाँ, बेचे हुए माल का वापस आना सेल्स रिटर्न होता है। अच्छा, तो एंट्रीज बताइए, नगद से व्यापार आरंभ करने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा है और कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव है जो मालिक के खाते को दिखाता है, वो पैसा देता है व्यापार में, इसीलिए उसे देने वाले को पर्सनल अकाउंट के सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से जमा किया गया है। ओके, नगद क्रय, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट, क्योंकि नगद क्रय किया जा रहा है तो व्यापार में माल आ रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट डीआर, और फिर कैश हमारे पास से जा रहा है तो रियल अकाउंट के सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से उसे जमा किया गया है। नेक्स्ट एंट्री, वरुण को माल बेचा, वरुण अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, वरुण पाने वाला, हाँ, और फिर माल हमारे पास से गया तो सेल्स अकाउंट टू, और वरुण ने दूषित माल वापस किया, वरुण ने दूषित माल वापस किया तो परचेज सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू वरुण अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट या टू वरुण अकाउंट। बेटा, बाकी पार्टिसिपेंट्स में से मुझे कोई और बताइए कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया है? मैं आपको आगे से तो पूछ ही नहीं रही हूँ ना कुछ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने डिटेल में पढ़ाया है। और जैसे एक एक पर्सन है, इन्होंने अभी आपको एंट्री भी बता दी है, ठीक है, कि क्या एंट्री है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट। आपको सिर्फ इतना बताना है कि उन्होंने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, बताइए, आंसर दीजिए। क्योंकि मैम आप जब माल एक एक बोलिए, एक एक, हाँ बताइए, आप बताइए, हम 73 हैं, 73 72 में से क्या सिर्फ एक बेनिफिशियरी है जिसको आंसर आते हैं, बाकी हम सब क्या कर रहे हैं? मेरे पढ़ाने में कोई कमी है तो आप मुझसे, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो, और अगर आपको डाउट नहीं रहता है तो फिर आपको आंसर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने इसलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन्हीं एंट्री को वापस से रिवाइज किया, ये देखने के लिए कि आप लोग रट रहे हो या पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप रट रहे हो, सी का मतलब है कि आपने सैटरडे संडे दो दिन के गैप में सब कुछ इधर उधर हो गया, और अगर आपने अच्छे से समझा होता तो मैं अगर 10 दिन बाद भी एंट्रीज पूछती तो शायद आप मुझे अच्छे से आंसर देते, ठीक है। आप जिन्होंने ये एंट्री बताई थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट, आप ही आंसर दीजिए सबको कि सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि सेल्स रिटर्न हमारा माल जो हमने बेचा था वो हमारे पास व्यापार में वापस आ गया, तो आती हो को हम नाम करते हैं इसीलिए उसे डेबिट किया गया है, और टू वरुण अकाउंट क्योंकि वो अब देने वाला हो गया, उसने हमें
जो माल लिया था उसमें वापस कर दिया, तो पर्सनल अकाउंट के सस्पेंड फॉर्मूला के हिसाब से उसे डीआर किया गया, उसे क्रेडिट किया गया। ठीक है, देखो जब हमने ये एंट्री की थी कि वरुण को माल बेचा, ठीक है, तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक वरुण अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, एक सेल्स अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स आपको सभी को पता है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। रियल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है कि अगर वस्तु व्यापार में आती है तो डेबिट होती है और जाती है तो क्रेडिट होती है। अब हमारी एंट्री देखते हैं, हमारी एंट्री क्या है, वरुण को माल बेचा, इसका मतलब वरुण कौन हो गया, वरुण पाने वाला गया, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं लेकिन माल उसके पास जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि सेल्स की कंडीशन में व्यापार से माल जाता है और सेल्स हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है, उसपे सेकंड मेथड लगेगा कौन सा कि व्यापार से अगर माल बाहर जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 से। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है कि वरुण ने दूषित माल वापस किया, यानी वरुण ने क्या किया है कि हमने उसको जो माल बेचा है उसमें से 20,000 का हमने माल बेचा, जिसमें से 2,000 का माल उसे खराब लगा, यानी हमने जो माल दिया उसमें से 2,000 का माल खराब है, तो अब वो माल हमें वो वापस दे रहा है। ठीक है, तो दे रहा है इसका मतलब वरुण तो देने वाला हो गया, देखो वरुण को माल बेचा था तब भी वो पर्सनल अकाउंट था और अब वो हमें दे रहा है तब भी वो पर्सनल अकाउंट है, तो उस पे लेकिन अब मेथड चेंज हो गया, जब हम उसे माल दे रहे थे तो वो पाने वाला था, अब वो हमें दे रहा है तो वो देने वाला हो गया। ठीक है, तो वो हमें माल दे रहा है लेकिन अब एंट्री में क्या है कि उस कंडीशन में हम माल बेच रहे थे तो सेल्स था, बट अभी हमारे पास माल आ रहा है तो सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न की कंडीशन में क्या होता है कि व्यवसाय में माल आता है। ठीक है, सेल्स की कंडीशन में व्यवसाय से माल जाता है तो सेल्स रिटर्न को हम कैसे एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न भी रियल अकाउंट का पार्ट है, सेल परचेज और सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न चारों रियल अकाउंट का पार्ट है, तो इसमें रियल अकाउंट के ही मेथड लगेंगे। लेकिन अब क्या है कि सेल्स में जब व्यवसाय से माल जाता है तो उस पे कौन सा मेथड लगता है, सेकंड वाला मेथड कि व्यवसाय से माल जाएगा तो क्रेडिट करो, लेकिन सेल्स रिटर्न की कंडीशन में हमारे व्यवसाय में माल आता है। ठीक है, इसलिए उस पे हमारा फर्स्ट मेथड लगेगा कि अगर व्यवसाय में माल आता है तो डेबिट करो। अब देखो माल आ ही रहा है ना हमारे व्यवसाय में, तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट, क्योंकि वरुण कौन है, वरुण देने वाला है और व्यक्तियां तो व्यक्ति जितने भी हैं सब पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट होते हैं, बस किसी सिचुएशन में वो देने वाले होते हैं, किसी सिचुएशन में वो पाने वाले होते हैं। अभी पहले वो पाने वाला था तो हमने उसे डेबिट कर दिया, अभी वो देने वाला है तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, आप जो अभी एंट्री का आंसर दिया उनके अलावा अदर आंसर देना प्लीज। रुचि से माल क्रय किया, इसका आंसर दीजिए, माल खरीदने की एंट्री है बस। मैम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज किया और पैसा हमारे पास से गया। और कोई मैम परचेज अकाउंट डेबिट टू रुचि अकाउंट। हाँ बोलिए मैम। हाँ बोलिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू रुचि अकाउंट। ठीक है, और कोई आंसर देंगे, हम 74 हैं, 74 में से सिर्फ दो या तीन आंसर, आप बाकी भी तो आंसर दीजिए ना, आंसर दीजिए। एक नॉर्मल सी एंट्री है, सिर्फ माल खरीदने की एंट्री है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आंसर के रूप में हमारे पास दो एंट्रीज आई हैं, मोस्टली दो ही आई हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू रुचि अकाउंट और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमारी एंट्री क्या है, हाँ बोलिए। वो परचेज अकाउंट डीआर टू रुचि अकाउंट होगा। हाँ ओके, मुझे पता था कि आंसर आप दे देंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रुचि अकाउंट और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या है, रुचि से माल क्रय किया। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, उधार में हो रहा है या नगद में हो रहा है। उधार में। ठीक है, अगर हमारा ट्रांजेक्शन उधार में होता है, क्या ओके मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर हमारा ट्रांजेक्शन उधार में होता है तो हम क्या करते हैं,
पहली बात तो जब ट्रांजेक्शन उधार में होता है तो कैश कहीं नहीं आता है। अगर ट्रांजेक्शन उधार में है तो हम व्यक्ति की डिटेल्स डेबिट या क्रेडिट करते हैं, यही सिखाया था ना मैंने, यही तो बताया था आपको। एंट्री में ये देखना आना चाहिए कि ट्रांजेक्शन उधार में हो रहा है या नगद में हो रहा है, वो मैंने आपको समझाया था कि एंट्री में कैसे पता चलता है। जैसे रुचि से माल क्रय किया, अगर यहाँ पे नगद लिखा हुआ है तो ट्रांजेक्शन हमारा किस में हुआ है, तो हमारा ट्रांजेक्शन नगद में हुआ है। या फिर हमारे पास कोई भी डिटेल्स नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ होता माल क्रय किया। देखो नगद ट्रांजेक्शन करने की दो ही, या तो आपको नगद लिखा हुआ होगा या फिर नाम वगैरह कोई डिटेल्स नहीं होगी। लेकिन उधार में अगर आपके पास या तो उधार लिखा हुआ हो या व्यक्ति की डिटेल्स हो। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास उधार नहीं लिखा हुआ है, नगद भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास व्यक्ति की डिटेल्स है, हमारे पास रुचि का नाम है, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है। तो उधार में हमारे पास हो क्या रहा है, माल क्रय कर रहे हैं यानी हम खरीद रहे हैं। तो खरीदने में हमारा कौन सा लेजर, कौन सा अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, रियल अकाउंट का पार्ट है। व्यवसाय में माल आता है तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू में। अब अगर ये ट्रांजेक्शन नगद में हुआ होता कैश में, तो हम क्या करते, कैश को क्रेडिट कर देते कि हमने माल खरीदा और व्यापार से कैश गया। लेकिन ये ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन उधार में हो रहा है। उधार में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने आपको समझा दिया है। अगर ट्रांजेक्शन उधार में होता है तो हम व्यक्ति के डिटेल्स को मेंशन करते हैं, जैसे हमारे पास या किसका नाम है, रुचि का नाम है, कि हमने रुचि से माल क्रय किया है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके नाम को क्रेडिट करेंगे, रुचि अकाउंट, ठीक है। अगर यही ट्रांजेक्शन हमारा कैश में हुआ होता तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते, तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रुचि अकाउंट। और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री का मतलब है कि आपने माल को नगद क्रय किया है, और परचेज अकाउंट डेबिट टू रुचि अकाउंट का मतलब है कि आपने ये ट्रांजेक्शन उधार में किया है, ठीक है। तो उधार और कैश के बीच एक डिफरेंस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आप इस तरह से एंट्री करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट ऊपर नीचे हो जाएगी। देखिए आप खुद सोचिए ना, अगर कोई ट्रांजेक्शन आपने उधार में किया है, आपने पैसे दिए ही नहीं है, और आप अगर उसको दिए हुए बता रहे हैं, आपके पैसे नहीं गए, लेकिन जब आप अपने जो रियल अमाउंट है और आप अगर टैली में मैच करेंगे तो अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएगा। यही चीज मान लो, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं गए तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, कि मान लो आपने पेमेंट कर दिया और आपने उस ट्रांजेक्शन को लिखा ही नहीं, मान लो आपने ट्रांजेक्शन कैश में किया है, ठीक है, और आपने उसे उधार में दिखा दिया, इसका मतलब आपके पैसे चले गए और आपने उसे उधार में भी दिखा दिया और आप उसको वापस भी पेमेंट कर दोगे। वो बात अलग है, सामने वाला ईमानदार हो और वो आपके पैसे वापस कर दे, पर आजकल ईमानदार लोग मिलते नहीं है, इसलिए अपने बैलेंस शीट को, अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखने का काम हमारा खुद का है। इसलिए मैं बोलती हूँ पहले एंट्रीज को पढ़िए अच्छे से कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, परचेज हो रही है, सेल हो रही है, हम किसी को पैसे दे रहे हैं, हम किसी से पैसे ले रहे हैं, एक एक अकाउंट को क्लियर कीजिए। देखो अभी हम सीख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अच्छे से सीखे, थोड़ा थोड़ा सीखे लेकिन अच्छे से सीखे, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए पहले देखिए कि ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है, परचेज हो रही है, सेल हो रही है, अगर परचेज हो रही है ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल हो रही है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। फिर देखिए दूसरी चीज, ट्रांजेक्शन उधार में हो रहा है, नगद में हो रहा है। अगर ट्रांजेक्शन उधार में हो रहा है तो व्यक्ति की डिटेल्स होंगी, और अगर ट्रांजेक्शन नगद में हो रहा है तो आपके पास कैश होगा, कैश लिखा हुआ होगा, कैश के लिए नगद होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, प्रीतम को माल बेचा, इसकी आंसर दीजिए। प्रीतम अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। तो आप सब ने जो आंसर दिया है, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वो आंसर एकदम सही है। देखो मैं समझा देती हूँ बाकी सबको भी कि प्रीतम को माल बेचा, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है, सेल्स हो रही है, माल बिक रहा है, ठीक है। सेल्स हमारा किस अकाउंट का पार्ट है, सेल्स हमारा किस अकाउंट का पार्ट है, सेल्स हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। रियल अकाउंट के अंडर आता है, उस पे हमारा कौन सा मेथड लगता है कि अगर व्यापार से कोई चीज बाहर जाती है तो उसे क्रेडिट की जाती है। अब ये ट्रांजेक्शन सबसे पहले हमारा किस में हो रहा है, हमारा ये ट्रांजेक्शन उधार में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नगद नहीं लिखा हुआ है, उधार नहीं लिखा हुआ है, लेकिन व्यक्ति की डिटेल्स दी गई है। अगर व्यक्ति का नाम या उससे संबंधित कोई डिटेल्स दी जाती है, शॉप का नाम, तो हम उस ट्रांजेक्शन को उधार मान के करते हैं,
ठीक है, तो जब उधार मान के ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम उसके उसके नाम के अकाउंट को ही डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, उधार माल बेचा है तो वो कौन हो गया, वो पाने वाला हो गया, प्रीतम पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला हो गया, पाने वाले के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 24,000 से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, आंसर दीजिए। बीमा प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, और कोई? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैम इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मुझे बताइए कि ये जो हमारा बीमा प्रीमियम है ये हमारा किस अकाउंट के अंडर आएगा? नॉमिनल। क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस। बाकी सबका भी यही मानना है कि बीमा प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है, या आप में, अगर आप में से किसी और को ये लगता है कि बीमा प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस नहीं कुछ और है, इनकम असेट्स, तो आप बता सकते हैं। इसका मतलब आप सभी के लिए यही है कि बीमा प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ाया था, बीमा प्रीमियम हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, हमारे लिए क्या है, हमारा एक्सपेंस है और नॉमिनल से कुछ बेनिफिशियर्स ने असेट्स भी बोला है। असेट्स हमारी संपत्ति होती है, ठीक है, असेट्स हमारी संपत्ति। क्या संपत्ति, जब हमने असेट्स पढ़ा था तब मैंने क्लियर किया था हमारी असेट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। असेट्स और एक्सपेंस में फर्क होता है। एक्सपेंस है ये हमारा, जैसे बीमा प्रीमियम हमने भुगतान किया, हमारे पास से कैश जा रहा है। हमारी संपत्तियां क्या होती है, जिसमें कैश जाए और हमारे पास एक फिक्स डिपॉजिट टाइप पैसे रहे, जैसे हमारे पास, जैसे हम फोन वगैरह लाते हैं तो उसको रखते हैं, ठीक है। लेकिन बीमा प्रीमियम भी हमारे लिए क्या होता है, जैसे अगर हम जमा करा रहे हैं तो हमारे काम आएगा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से काम में आता है ना। अगर जैसे हम बीमा करवाते हैं तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है बीमा की, बट मुझे इतना पता है जैसे हम जीवन बीमा करवाते हैं तो अगर आपका एक्सीडेंट होता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो ही आपको पैसे मिलते हैं, अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या फिर अदर रीजंस होते हैं कुछ उसमें मेंशन होंगे, उस कंडीशन में आपको बीमा के पैसे नहीं मिलते हैं। और ये बीमा प्रीमियम में भी शायद जो जनरल चीजों का, जैसे स्टॉक वगैरह का होता है, उसमें भी शायद ये होता है कि अगर प्राकृतिक कोई नुकसान वगैरह होता है तो बीमा प्रीमियम वाले पैसे नहीं देते हैं, अगर आग लग जाती है या ऐसी और अदर चीजें होती है तो ही वो देते हैं। मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं, बट मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये रीजंस होते हैं। तो बीमा प्रीमियम हमारे लिए असेट्स तो है, बट एक देखो, एक हमारे लिए लैपटॉप और हमारा फोन है। हमें पता है हमने 10,000 का लगाया, लेकिन अगर मैं आज मेरे 10,000 के फोन को बेचूं, 2 साल बाद भी कोई 5-4 हजार रुपए तो देगा ना। लेकिन आप बीमा प्रीमियम का बताइए, अगर मान लो आपका स्टॉक है किसी, उन जैसे बीमा प्रीमियम में शायद वो शर्तें लिखी हुई होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग से अगर आपका लॉस हो जाता है जिसमें ये होता है कि इस कंडीशन में आपको बीमा नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी उस असेट्स का क्या हुआ, मुझे समझाइए। बीमा प्रीमियम हमारे एक्सपेंस में आता है। देखो एंट्रीज में क्या होता है, जब एंट्रीज आती है तो इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको ये अच्छे से पता चले कि ये चीज हमारे लिए इस अकाउंट में आती है और हमारा ये एक्सपेंस है, ना कि असेट्स है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या किसी का ये आंसर है कि हमारी इनकम या असेट्स हो सकती है, ठीक है। तो देखो एंट्री देखिए, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, हमारे लिए हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, एक्सपेंस सभी डेबिट किए जाते हैं, तो बीमा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, भुगतान हमने किया है, कैश में भुगतान हुआ है हमारा, ठीक है, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, रियल अकाउंट का पार्ट है, व्यवसाय से बाहर जा रहा है, ठीक है। कैश का मैंने आपको समझाया था, व्यवसाय में आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, एक्सपेंस की कंडीशन में क्रेडिट ही होगा और इनकम की कंडीशन में डेबिट ही होगा। इसलिए एक बहुत बेसिक सी चीज है कि एक्सपेंस में व्यवसाय से माल, सॉरी कैश जाता है और इनकम की कंडीशन में व्यवसाय में कैश आता है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी रुचि को भुगतान किया,
पे करने की एंट्री है पेमेंट की, आंसर दीजिए। रुचि अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। मैम रुचि अकाउंट डेबिट टू कैश। मिस रुचि अकाउंट डेबिट टू कैश। पांच और मिस रुचि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। रुचि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ तो इस एंट्री को मैं बता देती हूँ, जैसे रुचि को भुगतान किया, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ अमाउंट ना भी दिया गया हो तो भी हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट कितना है। कैसे? क्योंकि हमने माल क्रय किया है, हमने ऑलरेडी एक बार माल क्रय किया है तो उसी का तो हम पेमेंट कर रहे हैं ना। अब देखिए 9 मार्च को रुचि ने माल क्रय किया था 40,000 का, तो आज पेमेंट भी कितने का होगा? 40,000 का होगा। रुचि को भुगतान, देखो रुचि भुगतान कर रही है, भुगतान एक वर्ड मतलब चुका रही है। भुगतान से समझ में आता है कि आपने माल पहले कभी लिया है, अब आप उसका भुगतान कर रहे हैं, अब पेमेंट कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो रुचि हमारी भुगतान करने की एंट्री क्या होती है? हमारे व्यापार से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, ठीक है। तो कैश जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, डीएल अकाउंट का पार्ट है। और रुचि कौन है? रुचि पाने वाली है, हम उसे कैश दे रहे हैं, उसके पास जा रहा है। रुचि पर्सनल अकाउंट का पार्ट है और वो पाने वाली है, तो पाने वाले अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो हमारी एंट्री होगी रुचि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश व्यापार से जा रहा है इसलिए क्रेडिट, और रुचि पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, पाने वाली है, उसके पास कैश आ रहा है इसलिए उसे हमने डेबिट किया है 40,000 से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी हरीश द्वारा स्वयं की बीमा पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया। साक्षी कुमारी नाम है और इसका होगा ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप अपना नाम बताइए। प्रिया कुमारी फ्रॉम बेनीपट्टी। मैम ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जी सुनिए, अभी जो सर ने हमें बताया था थोड़ी देर पहले कि हमें सबसे पहले अपना खुद का नाम, जैसे मैं चांदकान फ्रॉम बीजगढ़ से और मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर ये देंगे मैं इस तरीके से, मतलब कि पहले अपना नाम बताओ, सेंटर का नाम बताइए आप लोग। अभी सर ने आपको अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, तो आप अपना नाम बताएं और एरिया का नाम बता दें, सेंटर का नाम बता दें बस, ठीक है। ओके स्टार्ट। ठीक है आंसर दीजिए। हरीश द्वारा स्वयं की बीमा पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया। मैम। यस। अनुपमा पाटिल फ्रॉम वसई। ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश। सॉरी आपकी आवाज कट हो गई थी। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके और आंसर। हाँ मैम रुखसार महाड़कर, रुखसार महाड़कर खामगाव सेंटर। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हेलो मैम। हाँ मानसी देवडीकर फ्रॉम खामगांव सेंटर। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो इससे पहले हमने एक एंट्री की थी कि हमने बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, ठीक है। प्रीमियम वो भी था, प्रीमियम ये भी था, ठीक है। इसके एंट्री आपने बताई कि इंश्योरेंस प्रीमियम या बीमा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट इसको आप ड्रॉइंग में काउंट कर रहे हैं, क्यों? साक्षी कुमारी मैम ये लिखा हुआ है स्वयं की बीमा पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान किया गया, तो कंपनी के मालिक ने अब पर्सनल यूज के ये पर्सनल यूज किया, इसीलिए इसे ड्रॉइंग किया गया है और उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी का खर्च था, इसीलिए उसे उसके नाम से किए गए हैं। वेरी गुड। जब हम कंपनी में कोई एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाता है? वो हमारे एक्सपेंस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में काउंट हो जाता है। लेकिन अगर हम हमारे पर्सनल यूज के लिए कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो हम उसे ड्रॉइंग में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझा दिया था, तो अभी हरीश द्वारा स्वयं की बीमा पॉलिसी यानी उन्होंने खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवाया है और हमारे पास एंट्री आई है, इसका मतलब उन्होंने ये पैसा हमारी कंपनी यानी कंपनी के कैपिटल में से ही लिया होगा, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? अगर हरीश द्वारा स्वयं की बीमा पॉलिसी, इसका मतलब ड्रॉइंग, पर्सनल यूज इट मीन्स ड्रॉइंग, ठीक है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, व्यक्ति विशेष का अकाउंट यानी वो पाने वाला है हरीश, ठीक है। हरीश अकाउंट या ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे व्यापार से कैश जा रहा है, रियल अकाउंट का पार्ट है, कैश बाहर जाता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं।
हमारी नेक्स्ट एंट्री है ब्याज प्राप्त किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मिस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, प्रिया कुमारी फ्रॉम बेनीपट्टी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, साक्षी कुमारी फ्रॉम बेनीपट्टी कैश अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट, मैम रुखसर महाड़कर खामगांव सेंटर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। आप जो मैसेज में आंसर दे रहे हो उनका नाम तो ऑटोमेटिक हेलो मैम ही जाता है। हेलो मैम, हाँ मानसी देवलीकर खामगांव सेंटर इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, हमारा एक्सपेंस है या हमारी इनकम है? इनकम है मैम, इनकम इनकम डायरेक्ट इनकम। तो देखिए इसके भी मेरे पास दो आंसर आए, एक कंडीशन में आपने इंटरेस्ट को डेबिट किया और एक में क्रेडिट किया, यानी एक एंट्री आपने बताई है कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और एक एंट्री आपने बताई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है आप में से ही बताइए सबने, ठीक है। तो अब एंट्री में डिफरेंस, इंटरेस्ट के बारे में मैंने लास्ट डे भी समझाया था कि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस और इनकम दोनों हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है बट इनकम और एक्सपेंस दोनों हो सकता है। अगर वो हमारे लिए इनकम है तो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर उसमें सेकंड मेथड लगेगा और वो क्रेडिट होगा, और अगर वो हमारे लिए एक्सपेंस है तो उसपे फर्स्ट मेथड लगेगा और वो हमारे लिए डेबिट होगा। अभी ब्याज प्राप्त किया इसका मतलब वो हमारे लिए इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम को क्रेडिट किया जाता है, डेबिट नहीं किया जाता, डेबिट एक्सपेंस होता है, इनकम डेबिट नहीं होती है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट हमारे कैश होगा क्योंकि हमारे व्यापार में कैश आ रहा है, और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है इसलिए हम उसको नॉमिनल अकाउंट के अंडर क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और रियल अकाउंट का पार्ट हमारे व्यापार में कैश इंटरेस्ट की सूरत में आ रहा है, बट आ तो कैश ही रहा है ना, व्यापार में हमारे कैश आ रहा है इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। अगर यही एंट्री अपोजिट होती कि हमने इंटरेस्ट दिया है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता, एक्सपेंस हो जाता, और फिर हमारी एंट्री होती इंटरेस्ट आता तो क्रेडिट हो जाता। नेक्स्ट एंट्री है मशीनरी नगद खरीदी, साक्षी कुमारी फ्रॉम बेनीपट्टी मशीनरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट, मिस आकांक्षा सिंह मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और मिस मानसी देवलीकर खामगांव सेंटर मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, रुखसार महाड़कर खामगांव सेंटर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी हमारी क्या है, हमारी मशीनरी हमारे लिए फिक्स्ड असेट्स है, तो मशीनरी हमारे किस अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट के अंदर हमारी सभी संपत्तियां और वस्तुओं को इंक्लूड किया गया है कि जितनी भी आपकी संपत्ति है जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं उन सभी को आप किसके अंडर लेंगे, रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो हमने खरीदी है मतलब परचेज की है, ठीक है, तो परचेज वर्ड हमारे माल के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आपने फिक्स्ड असेट्स खरीदी है तो आप डायरेक्ट उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 14,000 से टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने नगद खरीदी है, अगर हमने उधार खरीदी होती तो हम व्यक्ति का नाम या उस शॉप का नाम क्रेडिट कर देते, ठीक है। मशीनरी हमारे व्यापार में आ रही है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमने उसे डेबिट कर दिया है, टू कैश व्यापार से जा रहा है तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमने उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी कमीशन प्राप्त किया, साक्षी कुमारी फ्रॉम बेनीपट्टी कैश अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट, आकांक्षा सिंह कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, और मैम अनुपमा पाटिल कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, मैम रुखसार महाड़कर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। देखिए कैश भी हमारे लिए इंटरेस्ट की तरह, मैम हाँ बताइए आंसर दीजिए, मुझे एक डाउट है, हाँ पूछिए, आपने उसके पहले क्वेश्चन पूछा था कमीशन रिसीव्ड बाय कैश था, उसमें कैश अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट उसका आंसर था, तो इसमें ओनली कमीशन रिसीव्ड दिया है तो कैश और बैंक अकाउंट आएगा या ओनली कैश अकाउंट, कैश या
कैश और बैंक अकाउंट आएगा डेबिट या ओनली कैश अकाउंट डेबिट आएगा? देखो कैश और बैंक ये तो एक अलग पार्ट हो गया ना. अभी मैं आपको बैंक की एंट्रीज करना तो मैंने अभी आपको सिखाया ही नहीं है. अभी ये एंट्री सिर्फ कैश की है. जब मैं आपको बैंक की एंट्रीज करना सिखाऊंगी कि अगर हम ट्रांजेक्शन बैंक से करते हैं तब आप ये क्वेश्चन करना. मैंने अभी बैंक की एंट्रीज तो सिखाई नहीं है. अगर आपकी बैंक की एंट्रीज यहाँ होती तो आपके पास ये लिखा हुआ आता कि हमने कमीशन का 600 रुपए का चेक प्राप्त किया. चेक का मतलब होता है कि आपका ट्रांजेक्शन बैंक से हुआ है या आपको कोई अमाउंट बैंक से प्राप्त हुआ है. बट यहाँ सिर्फ कमीशन प्राप्त हुआ है तो अब इसमें तो उधार जैसा कुछ हो ही नहीं सकता ना. इसका मतलब ये तो कैश ही प्राप्त हुआ होगा. देखो प्राप्त होने के कैश मिलने के पैसे मिलने के दो तरीके हैं. या तो बैंक से होगा या फिर कैश में होगा. बैंक की एंट्रीज मैंने आपको अभी सिखाई नहीं है तो मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ ही नहीं सकती आपसे बैंक का. तो ओके मैम. ओके थैंक यू. एंट्रीज ठीक है. कमीशन प्राप्त किया तो देखिए मैंने बताया था कि कमीशन भी इंटरेस्ट की तरह हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है. और ठीक इंटरेस्ट की तरह कमीशन भी हमारा एक्सपेंस और इनकम दोनों होता है. ठीक है. अगर वो हमें प्राप्त हो रहा है तो हमारे लिए इनकम है और अगर हम किसी और को दे रहे हैं तो वो हमारे लिए वो हमारे लिए एक्सपेंस है. ठीक है. अभी हम कमीशन प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए इनकम है. ठीक है. तो इनकम को क्या किया जाता है? इनकम को क्रेडिट किया जाता है. और इस कंडीशन में कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश डेबिट होगा. तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. कैश को डेबिट क्यों किया है? रियल अकाउंट का पार्ट है, व्यवसाय में आ रहा है, फर्स्ट मेथड डेबिट. ठीक है. कमीशन अकाउंट हमारे लिए क्या है? कमीशन हमें प्राप्त हो रहा है. नॉमिनल अकाउंट का कौन सा सेकंड मेथड लगेगा? कि सभी जितनी भी हमारी इनकम से उनको क्रेडिट करके शो करना होता है. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट एंट्री हमारी किराया चुकाया. साक्षी कुमारी कंपनी की रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट. ओके. मिस आकांक्षा से रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. मैम महाड़कर रुखसार महाड़कर कैश अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. रेंट हमारे किस अकाउंट के अंडर आता है? नॉमिनल अकाउंट. तो रेंट हमारे लिए क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, असेट्स है, क्या है? एक्सपेंस है. एक्सपेंसेस. कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो इसकी एंट्री आपने बताई है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है. रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है. ठीक है. तो कौन सा मेथड लगेगा? फर्स्ट, कि जितने भी एक्सपेंस है उनको डेबिट करके शो करो. तो हमारी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश व्यापार से जा रहा है. नेक्स्ट एंट्री हमारी वरुण से भुगतान नगद प्राप्त हुआ. साक्षी फ्रॉम बेनीपट्टी कैश अकाउंट डीआर टू वरुण अकाउंट. मिस आकांक्षा सिंह कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट. और आंसर मिस मानसी देवलीकर कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट. मिस अनुपमा पाटिल कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट. मैम रुखसार महाड़कर कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट. वरुण हमारा कौन है? वरुण हमारा पर्सनल अकाउंट है. ठीक है. वरुण से भुगतान प्राप्त हुआ, इसका मतलब वरुण हमें पैसे दे रहा है. ठीक है. हमने उसको पहले माल बेचा था, उसका पेमेंट उस टाइम उसने उधार में ट्रांजेक्शन किया था, वो आज हमें पेमेंट कर रहा है. तो वरुण से भुगतान नगद प्राप्त हुआ, यानी उसने हमें कैश में ट्रांजेक्शन किया है, उसने हमें कैश में पैसे दिए. ठीक है. कैश दिया है उसने हमें, तो वरुण से भुगतान नगद प्राप्त हुआ. तो वरुण देने वाला हो गया, वरुण हो जाएगा क्रेडिट. और हमारे व्यापार में कैश आ रहा है तो हम कैश को डेबिट कर देंगे. तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट. ठीक है. तो इन एंट्रीज में किसी का कोई डाउट है? कि अगर इन्हीं एंट्रीज में से कोई एंट्री उठाकर अगर मैं 10 दिन बाद पूछती हूँ तो आप सभी आंसर देंगे ना? ऐसे तो नहीं ना कि फ्राइडे की क्लास के बाद आज जब मैंने मंडे को एंट्रीज पूछी तो आप में से किसी ने आंसर ही नहीं दिया, एक दो बेनिफिशियर्स को छोड़ के. ठीक है. बहुत अच्छी बात है. तो
चलिए अब मैं एंट्रीज पूछती हूँ, उसका आंसर देना। अगर आप में से किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं कुछ एंट्रीज पूछ लेती हूँ आपसे। मिस कपूर ने 6,000 रुपए इंक एंड पेपर पब्लिशर्स को कैश में दिए। इंक एंड पेपर पब्लिशर जानते हैं कि वो पेपर वगैरह पब्लिश करने के लिए जैसे पैम्पलेट वगैरह नहीं होती है, उनको पब्लिश करने के लिए उनको 6,000 रुपए नगद दिए मिस कपूर ने। मिस कपूर पेड रुपीज 6,000 इन कैश टू इंक एंड पेपर पब्लिशर, ठीक है, पेपर पब्लिशर करने के लिए 6,000 रुपए नगद में दिए। इस एंट्री का आंसर बताइए, एंड पब्लिकेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ओके नाइस, पब्लिशर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कह देना। हाँ प्रिया कुमारी फ्रॉम बेनीपट्टी। और कोई आंसर? ठीक है, मुझे बताइए कि जो इंक एंड पेपर पब्लिशर के लिए जो मिस कपूर ने 6,000 रुपए दिए हैं, तो उनके लिए क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, असेट्स है, क्या है? एक्सपेंस है मैम। किसके लिए पूछे? इंक एंड पेपर पब्लिशर के लिए मिस कपूर ने जो 6,000 रुपए दिए थे वो क्या है उनके लिए, मतलब आपने सीरियसली इनकम है? आप पेमेंट कर रहे हो, आप पेमेंट को इनकम कैसे कह सकते हो? एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस। पब्लिशर के लिए इनकम है, मैंने पब्लिशर के लिए नहीं पूछा है, मैंने मिस कपूर के लिए पूछा है कि मिस कपूर पेइंग पब्लिशर के लिए जो पैसे दे रही है, मतलब एक बात बताइए मुझे, आपने इंक एंड पेपर पब्लिशर को डेबिट किया तो किस अकाउंट के अंडर किया, अगर आपको ये नहीं पता है कि वो एक्सपेंस है या इनकम है? सॉरी मैम, एक्सपेंस समझकर, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट समझकर ही तो उसको डेबिट किया होगा। ये तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपने उसको असेट समझ के डेबिट किया है या एक्सपेंस समझ के डेबिट किया है, और तो किसी कंडीशन में डेबिट हो नहीं सकता। दो ही ऐसे अकाउंट्स है जिसमें हो सकता है। तो देखो, इंक एंड पेपर पब्लिशर आपके लिए एक्सपेंस है कि आपने, अब यार मान लो मेरी कोई कंपनी है, सॉरी मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मैंने उसकी पब्लिसिटी के लिए पैम्पलेट या फिर न्यूज में उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब करवाया, इंक एंड पेपर पब्लिशर्स जो है उनको मैंने पेमेंट किया, तो वो मेरे लिए खर्चा ही हो गया ना, कि मैंने पब्लिसिटी के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने जो एक्सपेंस किया है, और मेरा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, एंट्री आपकी एकदम सही है, बट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपने अगर किसी अकाउंट को डेबिट किया है तो क्यों किया है डेबिट, क्योंकि हर अकाउंट जो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वो अपने एक रूल्स, एक मेथड के अकॉर्डिंग हो रहा है, हम उसे अपनी मर्जी से डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए वो रूल्स और वो रेगुलेशन जिसके अंडर आप किसी भी अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं। ओके सॉरी मैम, गलती से मैंने गलत सुन लिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है मेरी कि देखो अच्छे से सुन लेना, बिस्किट बनाने की एक कंपनी है, ठीक है, वो लोग बिस्किट बनाते हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्री का 10,000 रुपया किराया दिया। रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, साक्षी कुमारी फ्रॉम बेनीपट्टी। ओके, और कोई आंसर देंगे? ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, प्रिया कुमारी। मुझे आप ये बताइए कि रेंट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कोई आंसर देंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कोई? डायरेक्ट एक्सपेंस।
आप सभी एक दूसरे को फॉलो करते हैं या फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। देखिए मैंने एंट्री को बोलते टाइम मैंने बोला था अच्छे से सुनना, मैंने क्या कहा था कि एक कंपनी जो बिस्किट बनाती है वो अपनी फैक्ट्री का किराया दे रही है। मैंने आपको क्या समझाया था कि जो एक मैन्युफैक्चरर होता है उसके पास एक ऑफिस होता है, एक फैक्ट्री होती है, तो गुड्स से कनेक्टेड अगर वो अपनी फैक्ट्री का किराया देगा तो वो डायरेक्ट में आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट गुड्स से कनेक्टेड है। बट ऑफिस रेंट वो हमारे लिए एम्प्लॉयज के बैठने की जगह है, वो गुड्स से कनेक्टेड नहीं है। जब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को समझाया था तो मैंने आपके सामने एक चीज बिल्कुल क्लियर की थी। इवन मैंने आपको मैन्युफैक्चरर और ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन तीनों को समझाते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सा एक्सपेंस कब यूज हो रहा है हमारा, मतलब किस, जैसे रेंट का तो मैंने दिया ही था कि अगर आप फैक्ट्री का पे कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट में आएगा और अगर आप ऑफिस का कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट में आएगा। कैसे आएगा ये समझाया था कि एक मैन्युफैक्चरर हो रहा है यानी वो बना रहा है, अब फैक्ट्री में उसके बिस्किट बन रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जितनी भी चीजें हैं फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। अगर यही एंट्री में आपको बोलती कि मैंने ऑफिस का किराया चुकाया तो आप उसको इनडायरेक्ट में समझ सकते थे। एक्सपेंस दोनों है बट फर्क है वो डायरेक्ट है, क्योंकि देखो मैंने आपको एक्सपेंस कैसे समझाया था कि अगर गुड्स से कनेक्टेड अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो आपका डायरेक्ट है और अदर हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट है। आज अगर ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ओनर बैठा हुआ है, गुड्स से क्या कनेक्शन है उनका, ऑफिस गुड्स के बनने या उसकी रखाई आने के लिए, इन सारी चीजों के लिए यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो यूज कीजिए। देखो मैंने इसलिए एंट्री को एकदम डिटेल में बताया आपको। अब आपको समझ आ गया डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कोई डाउट है? फैक्ट्री का किराया मैन्युफैक्चरर है अगर बना रहा है तो वो फैक्ट्री का किराया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि वो गुड्स से कनेक्टेड है, ठीक है, और अगर अदर तरीके से कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट में आएगा, ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। Means journal entries or declaration something. नहीं, अगर सिर्फ ऑफिस है तो उसका रेंट, लाइट बिल वो सब इनडायरेक्ट ही होगा। मैंने आपको गुड्स के लिए बोला है। अगर आपके पास ऑफिस ही है तो आप एक मुझे एक बात बताइए, क्या ऑफिस में आप स्टॉक रख सकते हैं? अगर ऑफिस होगा इसका मतलब आपका वो काम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएगा। आप एक बात बताइए, अगर आप ट्रेडिंग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक ऑफिस में, क्या ऑफिस में आप माल बना सकते हैं या ऑफिस में आप स्टॉक को रख सकते हैं? क्वेश्चन बेसलेस क्वेश्चन है ये। सिर्फ ऑफिस हो तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ गया ना। अगर ट्रेडिंग है इसका मतलब आपके पास स्टॉक है तो स्टॉक रखने के लिए या तो गोडाउन होगा या कोई फैक्ट्री होगी, उसके बिना ऑफिस में स्टॉक को मेंटेन करना पॉसिबल है? आप खुद सोच के बताइए कोमल जी कि क्या ये पॉसिबल है। मैंने आपको तीनों ऑर्गेनाइजेशन बताई थी, तो आपका ये जो क्वेश्चन है कि सिर्फ ऑफिस का रेंट है इसका मतलब आप किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं, तो उसके अंडर अगर आप कोई भी रेंट, लाइट बिल या कुछ भी पे करते हैं वो सब इनडायरेक्ट में ही आएगा। आपके जो गुड्स से कनेक्टेड होगा या आपके जो बिजनेस से कनेक्टेड है वो ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आते हैं। जैसे मान लो आप ई मित्र का कोई आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपका जो नेट चलाने के लिए जो आपका बिल आएगा वो आपका किसमें डायरेक्ट में आएगा। लेकिन रेंट आपका ऑफिस का है उसका गुड्स से क्या कनेक्शन है? लाइट है उसको आप अपने लिए यूज कर रहे हैं उसका आपके इमित्र से क्या कनेक्शन है? हाँ, बट आपका नेट चल रहा है उसका सीधा सीधा आपका काम आपकी सर्विस से जुड़ा हुआ है तो उसका बिल आप डायरेक्ट में काउंट कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे खुद अपने हिसाब से सोच के देखिए कि जो आपके गुड्स से या आपके काम से कनेक्शन है सिर्फ वो ही आप डायरेक्ट में काउंट कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सभी डाउट्स क्लियर है सभी के? थैंक यू ऑल।